मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोस्कोप, ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। माइक्रोस्कोप के जो भी यहाँ पर तीन आपके सामने साइजेस रखे हैं और इसको ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में सबसे पहले जो रखा है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये है सिंपल माइक्रोस्कोप और ये है प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप, ठीक है। हमारा मेनली जो एक्सपेरिमेंट रहते हैं और हमारा जो वर्क है वो मेनली इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर ही रहने वाला है। मैं आपको अभी डिटेल में बता देती हूँ इसमें कौन से पार्ट्स करते हैं और कैसे इसका वर्किंग रहता है, तो इसको हम देख लेते हैं आज, ठीक है। तो आपके सामने भी ये क्या रखा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, ठीक है। इसका सबसे पहला पोर्शन आपको बता देती हूँ, आईपीस। आईपीस मतलब यहाँ पर आप आई अपनी रखेंगे, ये 10x का एक लेंस लगा हुआ है, ठीक है। इसमें आप रखकर जो भी आपका इमेज यहाँ पे स्लाइड में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इस स्लाइड है, यहाँ पर आपने कोई टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है किसी ड्रग का, जैसे जिंजर है, जिंजर का आपने टीएस बनाया, वो यहाँ पर आप रखेंगे और इसको आप ये जो है ना, ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो स्क्वायर वाला पोर्शन है इसको कहते हैं स्टेज, ठीक है। ये स्टेज के ऊपर हम रख देते हैं हमारी स्लाइड और यहाँ पे जो पोर्शन है इसको कहते हैं हम लेंस। ये लेंस है दो, आपको यहां से एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। लेंस जो रहता है, लेंस क्या करता है, टीएस को फोकस करता है और आईपीस के जरिए आप यहां पर इस तरीके से उस ट्रांसफर सेक्शन को विजुअलाइज कर सकते हैं, उसका अच्छे से टिश्यूज का और बारीक बारीक जो भी उसमें सेल्स है या जो भी उसमें स्टोमेटा है या ट्राइकोम्स है, वो सब फ्लोएम ज़ाइलम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को आप स्टडी कर सकते हैं ना। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर दो ऐसे स्क्रू है, ये जो है ना ऊपर नीचे हो रहा है, देखो ये आपको स्लाइड को पास में ले जाना है या दूर करना है लेंस को, तो उसके लिए ये एडजस्टमेंट वाला एक स्क्रू है, ठीक है ना। यहाँ पर दो साइड में और हो, यहाँ पर आपको साइड में दो और स्क्रू दिख रहे हैं, ये जो स्क्रू रहते हैं ना इमेज को और ज्यादा फाइन करते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो आप यहाँ से एडजस्ट करके उसको और अच्छा फाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, देखो ये एक आईपीस वाला बताया आपको मैंने, एक लेंस यहाँ पे रहता है, एक लेंस यहाँ पे रहता है जो स्लाइड के पास में रहता है, दो स्क्रू रहते हैं, ये स्क्रू जो रहते हैं इमेज को देखने के लिए और पास में ले जाने के लिए लेंस को यूज किया जाता है, सेकंड स्क्रू हमने यहाँ पे देखा जो फाइन करता है इमेज को, और ये जो रहता है ये दिस पोर्शन इज नोन एज स्टेज, ठीक है ना। नीचे में यहाँ पर एक मिरर लगा होता है, ठीक है, ये जो मिरर है ना ये आप इसको मूवेबल रहता है कि आपका जो लाइट है वो बराबर से आ रहा है या नहीं वो चेक करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप जो है पहले इसको यूज किया जाता था, इसमें कुछ भी ज्यादा मतलब ये है नहीं, इसमें ज्यादा पार्ट्स है नहीं, सिर्फ ये जो पोर्शन है दिस वन इज आईपीस, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो है ना हम स्लाइड, जैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड रखी तो यहाँ पर हम स्लाइड रखेंगे और ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, इसको कहते हैं स्टेज। और ये जो स्टेज है, स्टेज के बाद यहाँ पर आपको दिखेगी, यहाँ पर दिखेगी ये मिरर है, मिरर जो है मिरर से आपको एडजस्टमेंट करके यहाँ से आपको उसकी इमेज दिखेगी। और दिस पोर्शन और ये टोटल जो है यहाँ पर भी एक स्क्रू का सिस्टम ही है, ये जो है ना ऊपर नीचे करने के काम में आता है और ऊपर नीचे के काम जो है जिसकी वजह से आप स्लाइड के पास में ले जा सकते हैं। देखो ये ऐसा मूव होता है, दिख रहा है, मैं ऐसे मूव कर रही तो मूव हो रहा है ना, तो यहाँ पर फाइननेस वगैरह का जो है एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से इसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ अब सबका सुपर फाइन, और भी सुपर फाइन देख लेते हैं, ये है प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इस प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप में खासियत क्या है वो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो आईपीस में यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो 45x मतलब इतना ज्यादा जूम करता है। इसके अलावा इसमें और एक लेंस है, ये है देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है 10x इनटू 0.25, मतलब इसका जूमिंग पावर बहुत ज्यादा हाई डेफिनेशन और बहुत ज्यादा जूमिंग पावर है। सिमिलरली ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज नोन एज स्टेज, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे स्लाइड रखते थे वैसे हम यहाँ पे स्लाइड रखते हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फाइन वाला, देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना अगर इमेज को फाइन करना है तो, और ये ऊपर नीचे करना है तो, ये देखो ये स्टेज ऊपर नीचे हो रहा है, दिख रहा है आपको। अब ये प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप है तो इसकी खासियत आपको मैं ये बता दूं, जो भी स्लाइड या जो भी चीज आपने इसके नीचे रखी वो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट होकर दिखेगी। जब लाइट हम जलाएंगे यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन है, ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है, ये दिख रहा है ऑन ऑफ का बटन है, ये जैसे हम शुरू करते हैं तो अंदर एक लाइट जलता है और ये प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप में जो भी आपका ट्रांसवर्स सेक्शन का इमेज है वो यहाँ पर दिखने लगता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज तीन माइक्रोस्कोप देख लिए जो हमारे लैब में अवेलेबल है, प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थैंक यू।